सो वेलकम वॉचर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 को, जिसका नाम है विकनास कर्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हॉपर को दिखाते हुए, और हमें मालूम चलता है कि पिछले सीजन में जो धमाका हुआ था उसमें हॉपर बच जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट समय में आ जाते हैं और हम मैक्स को देखते हैं, जो कि एक नाइटमेयर को देख करके डर जाती है और वो नींद से उठ जाती है। जिसके बाद उसे मालूम चलता है कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं जो एडी के घर की तलाशी ले रहे होते हैं। और जब वो वहाँ देखने के जाती है कि क्या हुआ है, तो उसे मालूम चलता है कि क्रिसी का मर्डर हो चुका है। इसके बाद हम 11 को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए माइक यहाँ आया होता है। और यहाँ पर विल को भी हम देखते हैं, जो कि उसी पेंटिंग के साथ था जो वो बहुत दिनों से बना रहा था, और वो पेंटिंग उसने माइक के लिए ही बनाई होती है, मगर वो उसे दे नहीं पाता है। अब अगर हम इधर 11 की बात करें, तो 11 ने माइक को ये झूठ बोल रखा है कि उसके यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं और यहाँ पर वो बहुत हैप्पी लाइफ जी रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये हम जानते हैं। और जब ये सभी घर जाने के लिए निकलते हैं, तो हम यहाँ पर मरी को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर जॉयसी की हेल्प करने के लिए पहुँच चुका है। फिर हम स्टीव और रॉबिन को देखते हैं, जो कि अपने अपने रिलेशन के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं, कि तभी वहाँ पर रखे हुए टीवी में हॉकिंस की स्टूडेंट की डेथ के बारे में न्यूज़ आ जाती है। ये न्यूज़ क्रिसी का बॉयफ्रेंड और लूकस भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल न्यूज़ में ये रिवील नहीं किया जाता है कि डेड बॉडी किसकी है। इसके बाद अब हम मैक्स को देखते हैं, जो कि ये सब देख करके समझ जाती कि हो क्या रहा है, तो वो सीधा डस्टिन के घर पहुँच जाती है और डस्टिन को बताती है कि उसे ऐसा नहीं लगता है कि क्रिसी को एडी ने मारा है। वो बताती है कि कल रात जब क्रिसी की डेथ हुई थी, तब उसने उसी तरह के पावर फ्लक्चुएशन को नोटिस किया था जिस तरह के पहले होते थे, और उसे ऐसा लगता है कि वही सब चीज़ें दोबारा से होने लगी हैं, यानी कि अपसाइड डाउन की दुनिया से कोई क्रीचर इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात समझ आने पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एडी को ढूंढेंगे और वो उसी को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि अब ये लोगों को लग रहा है कि एडी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब कुछ ना कुछ माइंड फ्लेयर से ही रिलेटेड है। तो अब ये दोनों एडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम मरी को देखते हैं, जो कि जॉयस के घर पर पहुंच जाता है और वो लेटर को पढ़ता है, मगर वो कहता है कि इस लेटर से ये साबित नहीं हो सकता है कि हॉपर जिंदा है, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने उसे ब्लास्ट में मरते हुए देखा था। लेकिन जॉयस उस बात को नहीं मानती है और उसे लग रहा होता है कि अभी भी हॉपर जिंदा है। अब यहाँ पर लेटर में एक नंबर लिखा हुआ था, तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस नंबर पर कॉल करेंगे। और अब हम एक बार फिर से हॉपर को देखते हैं, और हमें मालूम चलता है उस ब्लास्ट से बचने के बाद उसे रशियन ऑफिसर अपने साथ रशिया ले जाते हैं, और यहाँ पर उसे जॉयस की फ़ोटो दिखा करके उसके बारे में पूछने लगते हैं। और जब वो ये नहीं बताता है कि जॉयस कौन है, तो वो उसे मारने तक की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम एक बार फिर से हॉकिंस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो कि क्रिसी के बॉयफ्रेंड से बात करने आए होते हैं। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि कल रात क्रिसी एडी के ही साथ थी और वो वहाँ उससे ड्रग्स लेने गई हुई थी। फिलहाल वो इस बात पर बिलीव तो नहीं करता है, मगर उसे ये शक हो जाता है कि ये दोनों ऑफिसर उसे इंट्रोगेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कल रात जिस स्टूडेंट की मौत हुई है वो कोई और नहीं क्रिसी होती है। अब ये पता चलने पर वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है, और अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके ये डिसाइड करता है कि वो एडी को ढूंढेगा और उसे मार डालेगा, बिकॉज इसे यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ है वो एडी की वजह से हुआ है, उसके हेलफायर क्लब की वजह से हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि हेलफायर क्लब किसी तरह की शैतान की पूजा करता है और इसी के चलते उस एडी ने क्रिसी की बलि चढ़ा दी है शैतान को। मगर लूकस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये तो महज एक गेम है, डंजन्स एंड ड्रैगन नाम का बस गेम है, मगर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं और वो उससे पूछ बैठते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है। तो वो फ़िलहाल ये नहीं बताता है कि वो भी इस गेम को खेलता है, वो ये बता देता है कि उसकी बहन भी इस गेम खेलती है और इसीलिए उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। इसके बाद नैन्सी अपने पार्टनर के साथ उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर मर्डर हुआ है, मगर रास्ते में ही उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है, जहाँ पर नैन्सी ये कह करके उनसे परमिशन ले लेती है कि वहाँ पर उसकी फ्रेंड रहती है, यानी कि मैक्स रहती है, और वो यहाँ उसी से मिलने के लिए आई है। तो यहाँ पर उसे परमिशन मिल जाती है, लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं कि उसके पार्टनर को, जो कि काफ़ी अजीब तरह से हेलुसिनेट कर रहा होता है, और यहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर काफ़ी डरावनी शक्ल में दिखाई दे रहा होता है, और वो उसे किसी एक्सीडेंट के चलते मर्डर बुला रहा होता है। इसके बाद हम फिर से 11 को देखते हैं, जो कि अपने साथ माइक को स्केटिंग करने के लिए लाई होती है,
लेकिन यहाँ पर विल उससे कहता है कि उसे सारा सच बता देना चाहिए माइक को, उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, मगर इलेवन उसे सच बताने को तैयार नहीं होती है और साथ ही साथ वो विल से भी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय बिताने लगते। लेकिन तभी यहाँ पर एंजेला आ जाती है जो कि इलेवन को बेइज्जत करने के इरादे से अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर वो उसे बुली करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है और फिर उसे भी गिरा देती है। और अब ये सब देखकर विल माइक को सारी सच्चाई बता देता है, मगर यहाँ पर माइक विल से ही लड़ने लगता है कि उसने इतने दिनों से क्यों नहीं बताया, वो उससे क्यों छुपा रहा था। जिस पर विल कहता है कि उसे तो बस इलेवन ही नज़र आती है, उसने कभी मेरे से बात नहीं की, मेरे से फ़ोन कॉल तक नहीं किया। और यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और माइक कहता है कि उसे इस बारे में और बात नहीं करनी है और वो इलेवन को ढूंढने के लिए चला जाता है। और अब इधर हॉकिंस में हम एक न्यू ल्यूटेनेंट को देखते हैं जो कि क्रिसी के केस को संभालेगा। और अब बात करें जॉयस की, तो वो मरी के साथ मिल करके उसी नंबर पर कॉल करती है, जिसके बाद एक शख्स उनका कॉल उठाता है और उन्हें बताता है कि हॉपर जिंदा है और वो बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम में है और अगर वो उसे बचाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिसके लिए वो उन्हें 3 दिन का समय भी देता है। और अब यहाँ पर इस कॉल के बीच में बैकग्राउंड में किसी शख्स की आवाज़ आ रही होती है, तो मरी उसे ट्रांसलेट करता है और हमें पता चलता है कि हॉपर किसी तरह की फैसिलिटी में है और जो शख्स बात कर रहा होता है उसका नाम एंजो है, वो वहाँ का गार्ड है और वो हॉपर को निकाल सकता है। और अब एडी को ढूंढने के लिए डस्टिन और मैक्स स्टीव और रॉबिन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ रॉबिन अपना दिमाग लगा करके एडी की लोकेशन का पता लगा लेती है। इसके बाद एक बार फिर से हम हॉपर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो किस तरह से इस फैसिलिटी में पहुंचा है। तो जब उन ऑफिसर्स ने उसे मारने की कोशिश की, यानी कि रशियन ऑफिसर ने जब उसे मारने की कोशिश की और वो मरा नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे इस फैसिलिटी में भेज देंगे। तो इसी तरह से वो यहाँ पर पहुँच गया। अब हम नैन्सी को एडी के अंकल के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उनसे पता लगा रही होती है, उनसे बात कर रही होती है कि ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पर एडी के अंकल बताते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है और एडी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले भी 3 बॉडी बिल्कुल इसी तरह से मिली थी, जिसे विक्टर क्रिल नाम के आदमी ने मारा होता है। और जो वो 3 बॉडीज मिलती हैं वो उसकी वाइफ और बच्चों की होती हैं, और उसे इस क्राइम के लिए गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, मगर उसकी मानसिक हालत ख़राब होती है, इसके चलते उसे पेन हाउस के असाइलम में डाल दिया जाता है। और एडी के अंकल को ये लग रहा होता है कि शायद वो उस असाइलम से भाग गया है और क्रिसी का मर्डर भी उसी ने किया होगा। इसी बीच हम नैन्सी के पार्टनर को देखते हैं जो कि वुड्स के अंदर चला जाता है और यहाँ उसे भी बिल्कुल क्रिसी की तरह ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देती है, जिसके बाद उसे कुछ डरावनी शक्ल के लोग दिखाई देने लगते हैं जो कि उसे मर्डर कहकर बुलाते हैं, जिसके चलते वो उनसे बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हम फिर से इलेवन को देखते हैं जो कि एंजेला के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो एक जगह पे बैठ करके रो रही होती है। लेकिन तभी वो वहाँ से बाहर निकलती है और एंजेला से कहती है कि वो उससे माफ़ी मांगे, मगर जैसा कि एंजेला का बिहेवियर है वो उससे माफ़ी नहीं मांगती है और हॉपर की बेइज्जती करना शुरू कर देती है उसके सामने, जिसके चलते इलेवन का जो सबर का बांध था वो टूट जाता है और वो स्केटिंग शू को उठा करके उसकी नाक पर मार देती है, जिसके चलते एंजेला की नाक फूट जाती है। जिसके बाद हम डस्टिन, मैक्स, स्टीव और रॉबिन को देखते हैं जो कि एडी को ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर उसे समझाते हैं कि उसे यकीन है कि उसने क्रिसी को नहीं मारा है, और वो उसे पिछले साल की बातें बताने लगते हैं, जैसे कि अपसाइड डाउन के बारे में और माइंड फ्लेयर के बारे में। इसी बीच हम नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने पार्टनर को ढूंढ रही होती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि उसका पार्टनर जो होता है वो पजेस हो चुका है उस क्रीचर से, जिसके बाद बिल्कुल हमें सेम उसी तरह यानी फर्स्ट एपिसोड की तरह देखने को मिलता है कि वो क्रीचर उसे पजेस करके हवा में लेविटेट करवाता है और उसे फाइनली उसकी सारी बोन्स को क्रैक करके उसकी आंख को फोड़ करके उसे मार डालता है। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो कि क्रिसी की मौत किस तरह से हुई ये इन सभी को एक्सप्लेन कर रहा होता है और बताता है कि क्रिसी उस वक्त बिल्कुल पजेस लग रही थी, किसी कर्स के चलते पजेस लग रही थी, तो इसीलिए वो अपने गेम का रेफरेंस देता है और कहता है कि बिल्कुल उसी तरह का कर्स लग रहा था जिस तरह का कर्स गेम में एक करेक्टर देता है जिसका नाम है वेकना। अब यहाँ पर वेकना के बारे में समझाते हुए डस्टिन कहता है कि वेकना एक अनडेड क्रीचर है, यानी जो कि मर करके ज़िंदा हुआ है वो क्रीचर है और उसके पास डार्क मैजिक की पावर है। अब यहाँ पर हम इसी क्रीचर को देखते भी हैं जिस जो काइंड ऑफ किसी घर में हमें दिखाई देता है, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है
फिलहाल इस एपिसोड में हमें इस क्रीचर का नाम वेकना बता दिया गया है लास्ट में, तो आगे के एपिसोड में हम इसे वेकना ही कह करके बुलाएंगे क्योंकि इस सीरीज़ में इसका नाम वेकना ही रखा गया है। और इस एपिसोड यानी एपिसोड 2 जिसका नाम वेकनास कर्स है वो ख़त्म होता है। सो होप यू ऑल इन्जॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, टू कमेंट्स एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।